अश्विनी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा सेमिनार करने के लिए। और यहाँ पे सभा में आए सारे एस्ट्रोलॉजर्स और वास्तु कंसल्टेंट्स को मेरा प्रणाम। हेलो सी, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली तो ये कि आचार्य चाणक्य हमेशा ये बोलते थे कि अगर आप किसी सभा में जाते हैं और आपको अगर अपना नाम और परिचय देना पड़े तो आप ये समझना कि मंजिल अभी बहुत दूर है। और दूसरी बात यह कि मेरा नाम आलोक गौतम है, मैं दिल्ली से हूँ, कृष्णमूर्ति पद्धति प्रैक्टिस भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और कृष्णमूर्ति सर अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए भगवान तुल्य हैं तो इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। इसके अलावा मैं मॉडर्न वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। जब मैं केपी की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में जो केपी का ट्रांजिट है, जहाँ की आप घटनाओं को बहुत ही आसानी से पिन पॉइंट कर सकते हैं, वो शायद मेरे लिए सबसे प्रिय है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बेसिकली वास्तु के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और जब वास्तु की जब बात करते हैं तो आई कैन से ओनली वन थिंग कि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं तकरीबन महीने में 15 वास्तु विजिट करता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वास्तु करते होंगे और दे कैन रियलाइज कि 15 वास्तु विजिट्स, अगर ये ऐसा ना हो कि आई एम ट्राइंग टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट, अपना ढोल बजाने वाली बात अगर ये ना मानी जाए, तो 15 वास्तु विजिट अगर आप करते हैं तो इट टेक्स लॉट ऑफ यू योर नॉलेज अबाउट दैट। जब हम वास्तु के लिए कहीं पे जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिकली क्या है, जैसे होता है ना जब किसी को हार्ट अटैक होता है या किसी को ब्रेन स्ट्रोक हैमरेज, द फर्स्ट आर इज कॉल्ड द गोल्डन आर। इसी तरह अगर आप वास्तु करने जाते हैं तो जो पहले 45 मिनट टू वन आर है वहां पे, आई थिंक दैट इज द गोल्डन आर। जब आप सी दिस इज माई एक्सपीरियंस, तो आप ये मत समझना कि मैं पता नहीं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब आप कहीं वास्तु करने जाते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति के घर में आप वास्तु करने गए हैं उसका पहला वाक्य क्या था, उसके पहले वाक्य का पहला शब्द क्या था, उसके पहले शब्द का पहला अक्षर क्या था। दिस इज कॉल्ड स्वर वास्तु। और बिना डिग्री लिए यू कैन मेक आउट कि इसके घर में वास्तु दोष कहाँ हो सकता है, ये वास्तु करने से पहले आप पता लगा सकते हैं। ओके इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है कि जो हस्बैंड और वाइफ आपकी बात सुन आप आपको जिन्होंने बुलाया है, जो जिनकी आप बात सुन रहे हैं, आप उनके प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनके प्रश्न में ही सारा वास्तु दोष छुपा हुआ है घर का। सपोज अगर वो लेडी आपसे ये कहती है कि सर पता नहीं हमारा पैसा कहाँ जाता है, हमारा तो खर्चा बहुत बढ़ा हुआ है, जितना डालते पता नहीं कहाँ चला जाता है। सी दे आर बेसिकली ले पीपल, दे डू नॉट नो अबाउट वास्तु। उनका प्रॉब्लम क्या था कि पता नहीं कहाँ जाता है। इसका मतलब वो आपसे ये कह रही है कि सर मेरे घर में एक जोन है जिसको बोलते हैं साउथ साउथ वेस्ट, आप उसे प्लीज चेक कर लो। साउथ साउथ वेस्ट इज अ जोन विच इज अ जोन ऑफ डिस्पोजल 191.25 डिग्री से लेके 213.75 डिग्री का जो जोन है दैट इज कॉल्ड साउथ साउथ वेस्ट। इसका मतलब अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में बाद में जब आप एक्चुअल वास्तु करने के लिए उठेंगे वहां से तो आप देखेंगे कि यहां पे एंटी एलिमेंट क्या था। या सपोज वो हस्बैंड कहता है कि भाई साहब मुझे तो अब यही नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, सब कुछ तो करके देख लिया, मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आता, समझ में हमको कहां से नहीं आता, समझ में हमको कंधे से नहीं आता, घुटने से नहीं आता, कहां से नहीं आता,
समझ में हमको नहीं आता यहां से। अगर यहां की बात है तो वास्तु पुरुष का सर कहां पे है? वास्तु पुरुष का सर है नॉर्थ ईस्ट में। इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे ये कहना चाह रहा है कि सर काइंडली चेक नॉर्थ ईस्ट ऑफ माय हाउस। और जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि 3375 से लेकर 5625 तक का जो एरिया है, जो जोन है, वो नॉर्थ ईस्ट है और यहाँ का एलिमेंट वाटर है। देन एज ए गुड वास्तु कंसल्टेंट वी शुड नो कि वाटर का जोन कहाँ से कहाँ तक है। 337.50 से लेके 67.50 तक का जो जोन है वो वाटर का है। जब आप ये सारा जब कैलकुलेशन आप माइंड में करते जा रहे हैं, उनसे बात करते करते, उनकी बात सुनते सुनते, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब मैं वाटर की प्रॉपर्टी देख रहा हूँ तो वाटर की प्रॉपर्टी में वाटर का कलर नीला है, काला है, मेटल इसकी एल्यूमिनियम है, शेप इसकी वेवी है। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, इसका मतलब कोई ना कोई एंटी एलिमेंट वहां पे आ गया। देन वी शुड नो कि वाटर का एंटी एलिमेंट क्या है। वाटर का एंटी एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। जब अर्थ एलिमेंट की बात करते तो आप देखो वहां पे क्या गोल्डन कलर है, क्या वहां पे येलो कलर है, क्या वहां पे स्क्वायर शेप्ड है, क्या वहां पे ब्रास है, एंड यू वुड फाइंड इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा जब आप एक्चुअल वास्तु करने के लिए वहां डिग्री नोट करेंगे। और दूसरा शत्रु क्या है वाटर का? फायर। दैट मींस द कलर ऑफ रेड फैमिली। कॉपर इज द मेटल एंड शेप इज ट्राइंगुलर। आप इनमें से चेक कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। या आपको उसने सपोज ये बोला कि मेरे को तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो जॉब ही नहीं है सर। अब मेरा जॉब नहीं है का मतलब क्या है? इसका मतलब या तो मेरे पास नया जॉब मुझे नहीं मिला या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो दोनों ही केस में आपने क्या चेक करना है? आपने नॉर्थ चेक करना है। फिर 348.75 से लेके 11.25 डिग्री तक का जो जोन है दैट इज नॉर्थ। सो यू वुड फाइंड दैट इफ यू गिव प्रॉपर अटेंशन टू व्हाट दे आर टॉकिंग, करेक्टिंग वास्तु दोष इज वेरी इजी। मैं पीछे एक घर में जब वास्तु करने के लिए गया तो मुझे कपल ने बताया कि अब से करीब 3-4 महीने पहले हम में कुछ ऐसा चल रहा था, बहुत झगड़े हो रहे थे, एंड वी डिसाइडेड दैट वी शुड टेक डाइवोर्स। लेकिन अब हमारे साथ कोई परेशानी नहीं है। अब जब डाइवोर्स की उन्होंने बात की, बहुत झगड़े होते थे, इसका मतलब दे वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग। तो रिलेशनशिप बॉन्डिंग एकदम जब माइंड में आती है तो आपको पता चलता है शायद ये साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जब मैं वास्तु कर रहा था तो साउथ वेस्ट में मैंने क्या देखा, मैंने एक गुड्डे गुड़िया का, मैंने जैसे ना एक सेमी सर्किल आर्क सा होता है ग्लास का, उसमें एक गुड्डा गुड़िया सा डांस कर रहे हैं खड़े होकर, बालरूम डांस। तो मैंने उनसे ये पूछा कि अब आप लोगों में झगड़े होते हैं, अब आप लोग सोचते हैं कि अलग हो जाए डाइवोर्स लेने? बोले नहीं नहीं, अब तो हम बड़े प्यार से रहते हैं, बड़ा अच्छा है सब कुछ। तो मैंने ये पूछा कि ये जो यहाँ पे जो रखा है आपने गुड्डे गुड़िया का डांस करते करते कपल का, यहाँ पे आपने ये रखा है, कब से रखा है? तो बोला क्या हमारी एनिवर्सरी थी तो जो हमारी बेटी है उसने हमको गिफ्ट दिया, हमें कोई जगह नहीं मिली, हमने वहां रख दिया। सी द थिंग इज, कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके हाथ से यूनिवर्स कुछ ऐसा करा देता है कि सामने वाली जोन बैलेंस हो जाती है। जब जब भी साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप का इशू होता है, हम अक्सर कहते हैं भाई आप एक लव बर्ड्स का पेयर रख दो, यहाँ पे हंस का जोड़ा रख दो, राइट? तो किसी तरह यूनिवर्स ने भी ऐसा सोचा कि बच्चे ने कुछ देना है और वो उन लोगों ने वहीं लेके रख दिया। जब आप वास्तु करने खड़े होते हैं तो उससे पहले मैंने जैसे कहा कि पहले 45 मिनट आई वुड से द गोल्डन आर, उनकी उनके घर में जो भी वास्तु दोष है आपसे वो लोग वही चीज डिस्कस करेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई वास्तु दोष दिखाई देता है घर में जो उन्होंने नहीं बताया और आपको लगता है ये वास्तु दोष है, आपने उसको करेक्ट नहीं करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई रिपीट, यू डोंट हैव टू करेक्ट द वास्तु दोष जिसके बारे में कोई सिम्टम नहीं था। आपने सिम्टम ट्रीट करने हैं। अगर उन्होंने आपको उस वास्तु, सपोज आपने देखा भी इनके ईस्ट में तो टॉयलेट है, अब ईस्ट में टॉयलेट का मतलब क्या, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में परेशानी होगी, गवर्नमेंट ऑफिसर से सबसे बड़ा क्या होगा, सोशल कनेक्टिविटी।
अगर उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि हमारी तो पड़ोसियों से लड़ाई नहीं होती, हम तो सब मिलके रहते हैं, हमारा तो समाज में बड़ा अच्छा है, इसका मतलब वो टॉयलेट उनको परेशान नहीं कर रहा। अदरवाइज ईस्ट का टॉयलेट जो है कई बार डाइवोर्स तक करा देता है, लेकिन सोशल डिसकनेक्टिविटी तो कराता ही कराता है। अगर ऐसा नहीं है उनके साथ, इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि उसके बैंक अपोजिट 180 डिग्री जो थी उस पर कुछ ना कुछ ऐसा अपने आप आ गया, यूनिवर्स ने उनके हाथ से, वाइफ के हाथ से, बच्चों के हाथ से कुछ ऐसा रखवा दिया जिसने उस जोन को बैलेंस कर दिया। ऐसा ना हो कि आप ओवर एंथुजियास्टिक बन के आप ट्रीट करके आ गए ईस्ट का टॉयलेट और वहाँ सारा इम्बेलेंस हो गया और वो पता चला 10 दिन बाद आपको फ़ोन कर रहा है कि भैया क्या करके चले गए मेरे यहाँ, मेरे यहाँ तो अब दोबारा से जूते चल रहे हैं, पड़ोसियों से मेरी लड़ाई होने लगी है। तो हमने सिर्फ वो ट्रीट करना है जो उन्होंने बोला, जिसके सिम्टम थे, अदरवाइज कोई भी वास्तु दोष देखो आपने नहीं ट्रीट करना उसको। और अगर आपको लगता है कि कहीं मुझे वास्तु देवता की कोई रेमेडी मुझे करनी है, सपोज अगर आपको दिति और शिखी की आपको रेमेडी करनी है, आपको सपोज नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी करनी है, दिति की करनी है, सपोज 56.25 से 67.7 डिग्री की जो आपका जो दिति का जोन है वहां पे आप इलायची रख दीजिए, आपने शिखी करनी है तो वहां पे आप लौंग रख दीजिए, वहां पे आप कपूर रख दीजिए, आपने जिस भी देवता को एक्टिवेट करना है उससे संबंधित चीजों को आपने जमीन पे फ्लोर लेवल पे रखना है, बिकॉज द एनर्जी फ्लोज एट द फ्लोर लेवल। और किसी भी देवता को आप 72 आवर्स में आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सी, वास्तु इज वेरी इजी, इट इज वेरी साइंटिफिक, बट इट नीड्स लॉट ऑफ कॉमन सेंस। ओके, बस एक चीज मैं टच करना चाहूंगा केपी के बारे में, विच आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते देखा है कि ये सबलॉट क्या है, सबलॉट क्या होता है, लोगों को समझ में सबलॉट ही नहीं आता है। और शायद उसी वजह से कई बार क्या होता है कि हमें केपी ऐसा लगता है, पता नहीं केपी समथिंग विच इज एलियन। हालांकि एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा दे रहा हूं मैं, कृष्णमूर्ति सर को मैं ऋषि पाराशर के समकक्ष मानता हूं कुछ चीजों में, दिस मे बी ए वेरी बिग स्टेटमेंट। पीछे मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैं जब अपने ऑफिस में गया तो वो बैठा हुआ था और उसने जो था वो जो धूप वाला चश्मा होता है वो लगा के बैठा हुआ था, जैसे होते ना हीरो से बन के बैठ जाते हैं, तो वो लगा के बैठा हुआ था। तो मुझे थोड़ा सा मुझे इरिटेशन हुआ देख के कि इतना तो तमीज होनी चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कम से कम चश्मा तो उतार दो। तो वो उसका जो पहला सेंटेंस था, मैं शायद अपने चेयर में पूरी तरह बैठा भी नहीं था, वो बोलता है गुरु जी ये बताइए ये सबलॉट किस चिड़िया का नाम है। अब अगर आप कोई साइंस के बारे में कुछ सीखने आप आए हैं, एक देव विद्या के बारे में आप सीखने आए, तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कौन से आपने शब्दावली आपने क्या यूज करनी है। तो मैंने उसको बोला नहीं ये चिड़िया नहीं है, चील है एक्चुअली। सी बेसिकली क्या है कि अगर हम समझें कि हम प्लैनेट्स हैं जो यहां पे इस समय हैं और हम प्लैनेट्स एक नक्षत्र में हैं, दिस हॉल इज नक्षत्र, राइट। अब हम पर्टिकुलरली किसी चेयर पे बैठे हैं, सपोज संदीप मेरे सामने बैठा है, जो चेयर पे अगर हम बैठे हैं अगर वो चेयर हमारे नीचे से निकाल ली जाए तो क्या हम इसी पोजीशन में, क्या हम हवा में बैठ सकते हैं? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट सिट इन हवा जस्ट लाइक दैट। तो वो जो चेयर है वो सबलॉर्ड है एक्चुअली। सो वी आर प्लैनेट सिट्स इन नक्षत्र एंड विद इन द नक्षत्र प्लैनेट सिट्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सबलॉर्ड। So I'll say thank you so much for listening so patiently to me. Thank you so much. Thank you so much, sir. Very amazing knowledge. तो अभी मैं मंच पे invite करना चाहूँगा अक्षय जी जो मोगा से आए हैं कि वो stage पे आएं।